अस्तोर के रास्ते देवसाई जाने के लिए अस्तोर शहर से गुजरना पड़ता है। रास्ता बहुत आसान है मगर एहतियात से चलना पड़ता है। शहर से कुछ सफर करने के बाद दरियाए अस्तोर पूरे सफर में साथ साथ बहता है। अस्तोर से आगे जो रास्ता है वो बस मेटल रोड है, लेकिन ऐसी ही है ये, जैसे खड्डे से नज़र आ रहे हैं। दरमियान में कहीं पे जहाँ डिप्रेशन आता है रोड में, वो बिल्कुल ही टूटी हुई है। तो हमारा गुजारा चल रहा है फ़िलहाल, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ से अब हम जाएंगे चिलम और फिर आगे देवसाई, लेकिन देखेंगे रास्ते में और भी कहीं अगर कोई स्पॉट हुआ अच्छा तो इंशाल्लाह रुकेंगे और नज़ारे कैप्चर करेंगे। अस्तोर से देवसाई या श्योसर लेक का सफ़र 5 घंटे का है, मगर हमने ये सफ़र 8 घंटे में किया, क्योंकि रास्ते में दरियाए अस्तोर के किनारे कुछ जगह बहुत खूबसूरत हैं। थकावट का एहसास कम करना हो तो यहाँ रुकना चाहिए। ये एक बहुत खूबसूरत जगह चिलम जाते हुए, दूर से ऊपर से दरिया का पानी इतना अच्छा लग रहा था। तो वो सामने है रोड, हमने सोचा थोड़ा सा नीचे आके एंजॉय करते हैं इसको। पीसफुल जगह है। यहाँ बैठेंगे कुछ देर, पानी को एंजॉय करेंगे और फिर निकलेंगे। ओहो, बहुत लंबा ट्रैवल है यार। इस्लामाबाद से हम निकले हैं तो 2 रातें रास्ते में हमने स्टे किया है और आज 3रा दिन है। स्टिल चिलम इज़ फार अवे उन पहाड़ों में। और ये चश्मा होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे कमरे और टेंट भी हैं और नीचे इनका मेन्यू भी लिखा हुआ है। चलें इससे ज़रा चाय वाय पीते हैं। तो यहाँ पे मौसम कैसा होता है सर्दियों में, अगर नवंबर में? सर्दियों में यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 बर्फ पड़ता है। जब गर्मी का मौसम होता है तो ऐसा एक खुशगवार मौसम होता है जिसका कोई हद नहीं। ये देखो आपको खुद लग रहा है। और ये होटल आपका सारा साल चलता है? नहीं नहीं नहीं, ये सीजनली है। ये दिसंबर 9 महीने के बाद ये बंद होता है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होता है फिर इसको हम बंद करते हैं। ये टूरिज्म बंद हो जाएगा, हम भी बंद हो जाएंगे। और उसके बाद ये अप्रैल में मार्च में जाके खुलेगा तकरीबन। मेरे ख्याल में हम यकुम मई से ये दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा ये बताएं, ये जिस कमरे में अभी हम बैठे हैं, इधर भी बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, तो ये किराए पे देते हैं कमरा? जी। ये कितना किराए पे देते हैं, मतलब अगर हम दो बंदे? सर मुख्तलिफ का है ये कमरा। हाँ। दो बंदे का जो है मतलब 1300 से जाके 1500 तक मिलेगा। अगर बंदा ज्यादा होगा, 6 बंदे होगा, ये 2000 से कम नहीं मिलेगा। तो ये कमरा है बस, और भी है? और भी है कमरे। इससे आगे जो चिलम में है मतलब जाएगा तो VIP कमरे, इससे भी अच्छे अच्छे। फिर उसका किराया जो है थोड़ा ज्यादा है। कितना? 3500 होगा, 3000 होगा, 2500 होगा। यानी चिलम में जहाँ पे गर्म पानी भी है, हर चीज, अच्छे कमरे, अच्छे कमरे, नए बिस्तर, नए बिस्तर, वो 3500 रुपये में मिल जाएगा। 3500।
अस्तोर से जब से हमने ट्रैवल स्टार्ट किया है तो ये अब जाके जो है ना खूबसूरत इलाके शुरू हुए हैं। तो पहले तो वो खुश्क पहाड़ ही थे, लेकिन ये सारे अब ग्रीन पहाड़ पाइन ट्रीज के साथ शुरू हो गए हैं। मौसम बहुत आला है। चिलम से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले खुश्क पहाड़ सब्जे वाले पहाड़ों में बदल जाते हैं, मतलब देवसाई के सफर की खूबसूरती यहां से शुरू हो जाती है। रोड बस ठीक है, मगर जब नजारे बदल जाएं तो बुरा बिल्कुल नहीं लगता। चिलम से श्योसर लेक का सफर 1 घंटे का है और मुसलसल चढ़ाई का सफर है। ये सफर शुरू होने से पहले देवसाई नेशनल पार्क में दाखिले के लिए टिकट लेना पड़ता है। फकत 600 रुपए में दुनिया की इस छत पर घूमने का इजाजतनामा मिल जाता है। चिलम गुजरने के बाद जो सफर शुरू होता है वो इस कदर खूबसूरत है कि जैसे हम ख्याली दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। मतलब रास्ते में भटकने से इंसान हमेशा घबराता है, मगर ये ऐसा रास्ता है कि हम चाह कर भटकना चाहें। देवसाई नेशनल पार्क का जो एंट्रिंग पॉइंट है आफ्टर क्रॉसिंग चिलम, वहाँ हम पहुँच गए हैं और ये सामने देवसाई नेशनल पार्क की सबसे बड़ी लेक है श्योसर लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और यहाँ तक पहुँचना बस मैं क्या बयान करूँ कि बहुत ही दुश्वार गुजार है, बहुत लंबा सफ़र करके आना पड़ता है। लेकिन फिर ये देखें ना, ये जो नज़ारा है ये ऐसे तो नहीं मिलता ना। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। हमारे जो हौसला है, जो हमारे अंदर हिम्मत है, उसकी कॉस्ट पे हम जो है ना यहाँ पर आते हैं। और बड़ी ठंड है यहाँ पे और सर्दी लग रही है। ज़बरदस्त। और रोड के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये चिलम के बाद रोड काफ़ी जो है ना वो बन चुका है, लेकिन नेशनल पार्क में एंटर होने से पहले रोड काफ़ी ख़राब भी हो जाता है। और फिर आगे ये कच्चा रास्ता है, यहाँ पे पहुँच सकते हैं हम आराम से, कोई भी गाड़ी आ सकती है विद ड्यू केयर। ये यहाँ खड़े खड़े इसने इतने कलर्स दिखा दिए हैं हमें जस्ट 15 मिनट में। ही झील ने कभी इसके ऊपर सूरज आता है तो कभी बादल आते हैं और ये अपना रंग बदलती है। इट्स थंडरिंग, और थंडरिंग जो है ना ऐसे एरिया में खौफनाक ही लगती है। बहुत आला, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। इसको कहते हैं रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। 13,500 फिट का ये प्लेन्स है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और 65 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हमने यहाँ पे बुक कर लिया देवसाई टॉप पे। अभी बाहर का व्यू मैं मज़ीद भी दिखाऊंगा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है उसके बाद दिखाता हूँ। तो ये हट जो है काफ़ी रोमांटिक है इसका जो है ना इनसाइड जो एनवायरनमेंट है। तो जस्ट फॉर 2,000 रुपीज़ और इसमें